हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी में। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई ट्रिकी वीडियो, जिसमें मैं आपको फरवरी महीने के सभी इंपॉर्टेंट डेज याद कराऊंगा। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएँ। और अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @itsgkguru। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, देखते हैं हमारी ट्रिक। तो दोस्तों, जो कहानी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसी से हमारी ट्रिक निकल कर आएगी। एक बार मैं आपको ये पूरी कहानी पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि किस तरह से हम इसे क्वेश्चन रिलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को पढ़ना। एक फ़कीर तटरक्षक बना, 4 दिन बाद उसे कैंसर हो गया। चोरी चोरी उसे 6 दिन में जम्मू कश्मीर ले जाया गया। वहाँ उसे संत रविदास जी मिले। उन्होंने उसे कहा कि अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो तुम्हें विश्व में सामाजिक न्याय करना होगा। इसके लिए उसे 21 तरह की अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा सिखा दी और उसे 23 विश्व में शांति स्थापित करने को भेज दिया। रास्ते में उसे 28 वैज्ञानिक मिले, जिन्होंने उसे स्वस्थ देखकर अगले दिन डी एडिक्शन डे मनाया। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इससे क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, एक फ़कीर तटरक्षक बना। एक फ़कीर था जो तटरक्षक बना। वो जो फ़कीर था, जैसे आप जानते हैं कि फ़कीर जो है वो गांजा फूकते रहते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये वो फ़कीर था जो तटरक्षक बना और ये गांजा फूकता था, जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों, इसे जो है कैंसर हो गया। तो 4 दिन बाद जो है इसे कैंसर हो जाता है और चोरी चोरी इसे क्या है 6 दिन में जम्मू कश्मीर ले जाया जाता है। वहाँ इसे क्या मिलता है, संत रविदास जी मिलते हैं। उन्होंने उसे कहा कि अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना होगा, विश्व में सामाजिक न्याय करना होगा। और इसके लिए उसे 21 तरह की अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा सिखा दी और उसे 23 विश्व में शांति स्थापित करने को भेज दिया। और उसे रास्ते में क्या हुआ, 28 वैज्ञानिक मिले, जिन्होंने उसे स्वस्थ देखकर अगले दिन क्या मनाया, डी एडिक्शन डे मनाया। तो अब मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम रिलेट करते हैं। तो एक फ़कीर तटरक्षक बना, यहाँ से हमारा बन गया दोस्तों, एक से बन गया, एक फ़कीर से बन गया फरवरी। 1 फरवरी को होता है तटरक्षक दिवस। इसके बाद है, 4 दिन बाद उसे कैंसर हो गया। तो 4 फरवरी को दोस्तों होता है हमारे पास कैंसर दिवस और 4 फरवरी को ये होता है चोरा चोरी दिवस। इसके बाद है, 6 दिन में जम्मू कश्मीर ले जाया गया। तो हमारा हो जाएगा 6 फरवरी को होता है जम्मू कश्मीर दिवस। अगला है, वहाँ उसे संत रविदास जी मिले। तो संत से बन जाएगा हमारा 7, रविदास जी, यानी 7 फरवरी को होता है रविदास जी की जो जयंती होती है वो मनाई जाती है 7 फरवरी को। आगे आता है, रविदास जी ने उन्हें कहा अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है तो तुम्हें क्या करना होगा, विश्व में सामाजिक न्याय करना होगा। यहाँ से विश्व से हमारा बन जाएगा 20, यानी 20 फरवरी को होता है सामाजिक न्याय दिवस, करना होगा। अगला है, इसके लिए उसे 21 तरह की अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा सिखा दी। यहाँ से हमारा बन गया 21 फरवरी को होता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और उसे 23 विश्व में शांति स्थापित करने को भेज दिया। तो 23 से हो जाएगा हमारा, 23 फरवरी को होता है विश्व शांति दिवस। आगे देखते हैं, भेज दिया और रास्ते में उसे क्या हुआ, 28 वैज्ञानिक मिले। यहाँ से हो गया हमारा, 28 फरवरी को होता है विज्ञान दिवस। अगले ही दिन, अगले दिन यानी 29 फरवरी को होता है, 29 फरवरी को क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने क्या बनाया, डी एडिक्शन दिवस बनाया। तो हमारा हो गया 29 फरवरी को हो गया डी एडिक्शन दिवस। अब दोस्तों, एक बार आपको खुद से ये कहानी पढ़नी है और उसके बाद आपको टेस्ट लगाना है। मैं गारंटी लेता हूं कि आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे, सभी क्वेश्चन आपके आसानी से निकल जाएंगे। तो देखते हैं हमारे टेस्ट को। हमारे टेस्ट का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तटरक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये तो बड़ा आसान हो गया कि एक जो फ़कीर था वो तटरक्षक बना था, तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 फरवरी को मनाया जाता है तटरक्षक दिवस। उसके बाद क्या था, 4 दिन बाद उसे कैंसर हो गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, उससे हमारा क्या निकल कर आता है,
4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो सभी ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 1 फरवरी को मनाया जाता है तटरक्षक दिवस, यानी जो एक फकीर था वो क्या बन गया था, तटरक्षक बन गया था। यहाँ से हमारा निकल कर आता है 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 फरवरी। 4 फरवरी को क्या हुआ था, उसे कैंसर हो गया था 4 दिन बाद। तो यहाँ से हमारे 2 दिन बनते हैं 4 फरवरी से, एक तो होता है कैंसर दिवस और दूसरा कौन सा होता है, चोरी दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चोरा चोरी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों हमें पता है चोरा चोरी, यानी यहाँ से हमारा लेट हुआ था कि उसे चोरी चोरी कहाँ ले जाया गया था, जम्मू ले जाया गया था। तो चोरी चोरी से हमारा बन गया चोरा चोरी। तो यानी 4 फरवरी को ही मनाया जाता है चोरा चोरी दिवस, और 4 फरवरी को एक और जो दिवस मनाया जाता है वो कौन सा है, वो है कैंसर दिवस। 4 दिन बाद उसे क्या हो गया था, कैंसर। और ऑप्शन नंबर जो ए है वो है 1 फरवरी, यहाँ से हमारा आया एक फकीर तटरक्षक बना, तो 1 फरवरी से क्या हो गया, तटरक्षक दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जम्मू कश्मीर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो कितने दिन बाद उसे जम्मू कश्मीर ले जाया गया था, 6 दिन बाद। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर सी है वो है 4 फरवरी। 4 फरवरी को 2 दिवस होते हैं, कौन कौन से, एक तो कैंसर दिवस और दूसरा कौन सा होता है, चोरा चोरी दिवस। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए जो है वो है हमारे पास 1 फरवरी। 1 फरवरी को हमें पता है कौन सा होता है, तटरक्षक दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से सभी क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, संत रविदास जयंती कब मनाई जाती है। तो संत से हमारा बना था 7 फरवरी को मनाया जाता है संत रविदास जयंती। 1 फरवरी को हमारा बना था तटरक्षक दिवस। 4 फरवरी को 2 दिन थे, कौन कौन से, एक तो था कैंसर दिवस और दूसरा था चोरा चोरी दिवस। इसके अलावा जो है 6 फरवरी ऑप्शन नंबर डी, इससे हमारा क्या था, 6 दिन बाद उसे कहाँ ले जाया गया था, जम्मू कश्मीर, यहाँ से हमारा हो गया जम्मू। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व से हमारा बना था 20, यानी 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर सी है वो है हमारे पास 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को आपको पता है कौन कौन से दिवस है, 4 फरवरी को क्या हो गया था, उसे 4 दिन बाद कैंसर हो गया था, और चोरी चोरी यानी चोरा चोरी यहाँ से बन जाएगा हमारा। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है 6 फरवरी। 6 फरवरी से हमारा बना था, 6 दिन बाद उसे कहाँ ले जाया गया था, जम्मू कश्मीर ले जाया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सात है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय यानी उसे कितनी तरह की भाषाएं सिखाई गई थी, तो उसे 21 तरह की भाषाएं सिखाई गई थी, यहाँ से हमारा बन गया 21 फरवरी यानी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा जो है ऑप्शन नंबर सी यानी 4 फरवरी, 4 फरवरी को कौन कौन सा हो गया, कैंसर दिवस और चोरा चोरी दिवस। और ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ से हमारा आया 6 फरवरी, 6 फरवरी यानी 6 दिन बाद उसे जो है जम्मू कश्मीर ले जाया गया था, तो यहाँ से हमारा बन गया जम्मू कश्मीर दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है। इससे हमारी ट्रिक निकल कर आई थी कि उसे 23 देशों में शांति स्थापित करने को भेजा गया था, यानी 23 फरवरी को मनाया जाता है विश्व शांति दिवस। इसके अलावा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो है 21 फरवरी, यानी यहाँ से हमारा क्या हुआ था, 21 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा उसने सीखी थी जिससे कि वे 23 देशों में शांति स्थापित कर सके। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी जो है वो है 6 फरवरी, यहाँ से हमारा बना था 6 दिन बाद उसे जम्मू कश्मीर ले जाया गया, यानी जम्मू कश्मीर दिवस मनाया जाता है 6 फरवरी को। अगला क्वेश्चन देख, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों जो विश्व रेडियो दिवस है वो हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ से हमारी ट्रिक है कि आप लोगों ने जो रेडियो पर गाना सुना होगा, जो नया गाना है रानो मंडल का तेरी मेरी कहानी, यहाँ से हमारा तेरी मेरी से बन जाएगा 13
13 फरवरी यानी 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए यानी 21 फरवरी से हमारा बना था, 21 तरह की उसे जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषाएँ सिखाई गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है हमारा करेक्ट आंसर, 28 फरवरी, यानी जब वो एक विश्व में घूम रहा था तो उसे 28 वैज्ञानिक मिले थे, यहाँ से हमारा बन गया 28 फरवरी को मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस। और उन्होंने अगले ही दिन क्या किया था, यानी 29 फरवरी को उन्होंने डी एडिक्शन डे के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है डी एडिक्शन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जब 28 वैज्ञानिक मिले थे उसे, तो उसे 28 वैज्ञानिकों ने क्या किया था, अगले ही दिन यानी 29 फरवरी को जो है डी एडिक्शन डे मनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर सी है वो है 13 फरवरी, तो 13 फरवरी से हमारा हो गया तेरी मेरी कहानी, यानी जो रानू मंडल का नया गाना है वहाँ से हमारा बन जाएगा, वो आपने सुना होगा रेडियो पर, तो 13 फरवरी को हो गया रेडियो दिवस। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो है 6 फरवरी, यहाँ से बन गया हमारा, उसे 6 दिन बाद जो है जम्मू कश्मीर ले जाया गया था। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। और आज आपके लिए एक क्वेश्चन है कि रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।